तो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, मेरा नाम है मनोज और आप आज का हमारे नए वीडियो में। सो गाइस, तहे दिल से आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। सो गाइस, आज अपन का मेन मुद्दा यह है कि अपन आज खेलने वाले हैं डिओ वर्सेस स्क्वाड। काफी दिनों के बाद अपन डिओ वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हैं, तो इसी के लिए अपन ना सीधा ब्लू जोन में उतरेंगे, क्योंकि ब्लू जोन में ना बहुत ज्यादा बंदे आते हैं और हो सकता है अपने स्टार्टिंग में बहुत सारे किल हो जाए और गन्स वगैरह भी अच्छी मिलती है। सो गाइस, तो बेनिफिट यही है कि अपन ना ब्लू जोन उतरे। सो गाइस, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि ऊपर है ना इसके अंदर में एक भी बंदा नहीं शो कर रहा है, तो आई थिंक सारे बंदे डर के जा चुके हैं और मुझे यहाँ पर ऊपर से ही एक गन दिख जाती है। तो अपन फटाफट गन को उठा लेते हैं, अगर कोई बंदा दिख भी जाता है तो उसको फटाफट मार सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे मिल चुकी है UMP, जो कि एक कूपी गन है, और शॉर्ट रेंज के लिए अपना जुगाड़ तो हो चुका है। तो अपन अपन को ढूंढनी पड़ेगी एक लॉन्ग रेंज की गन, और यहाँ पर मुझे स्कार मिल जाती है जो कि बहुत ही बढ़िया गन कॉम्बिनेशन है। इसी साथ अब बंदे की तलाश है, गन की तलाश अपनी कम्प्लीट हुई और अपन को एक बंदा चाहिए। सो भाई, यहाँ पर इसके अंदर में एक बंदा दिखा नहीं, तो अपने यहाँ को स्किप करके आ जाते हैं पीक पे साइड। तो मैं यहाँ पर मुझे उसके पाता रहता है और मेरे सामने एक बंदा आता है। मैं अपन इसको हेडशॉट मारने ट्राई करता हूँ, लेकिन हेडशॉट नहीं मिलता। कोई बात नहीं, अपन बॉडी से मार के काम चला लेते हैं। जैसे इसको मारता हूँ, पीछे से फिर से फुटस्टेप का आवाज़ आने लगता है और मैं यहाँ पर बाहर आके रुकाऊँ बन जाता हूँ। वो बंदा मुझे देख ही नहीं पाता है, और जैसे ही उसका ध्यान अटकता है मैं उसको सीधा हेडशॉट मार देता हूँ। और मुझे एक और फुटस्टेप आ रहा है, शायद ये बंदा है, और मेरा गलती से है ना फायर हो जाता है, नॉक बंदे पर ही चला जाता है। तो अपन भी इस बंदे को किसी तरह मारेंगे, और इसी के साथ अपन एक हेडशॉट मारने के बाद अपने हो चुके हैं 3 किल। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस, ये बिल्कुल फ्री होता है और अपन को एक मोटिवेशन मिलता है। पर जिस जिस लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया है, उन लोग को तहे दिल से शुक्रिया। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। बस यहाँ पर मुझे यहाँ पर मार्क आ रहे थे, यहाँ पर और भी बंदे हैं, तो मैं यहाँ पर देखने लगता हूँ। और मेरे टीममेट के पास भी कई बंदे हैं, आई थिंक यहाँ पर टोटल हैंगर में 3 से 4 बंदे हैं, इसलिए हमें ना बच कर रहना क्योंकि जोन भी स्टार्ट होने वाला है। तो मुझे यहाँ पर टावर से बंदा घुसता है और मैं इसको हेडशॉट मार देता हूँ स्कार के, और उसको पूरा पूरा किल देते हैं। इसी तरह मैं 4 किल, और मुझे यहाँ पर घर के अंदर खिड़की में एक बंदा दिखता है तेरा, और अपने इसको मारते हैं हेडशॉट। लगा हेडशॉट, नाइस। और अगर इसका टीममेट नहीं हुआ तो ये बंदा जोन से ही मर जाएगा और अपने स्किल कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर मेरे टीममेट को भी एक बंदा मारने लगता है, तो यहाँ पर नॉक बंदा दिखता है, तो मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ ताकि कोई किल चोरी ना कर पाए। तो मुझे यहाँ पर इस घर के सामने लगता है कि मुझे एक बंदा है। तो इस हफ्ते देखते हैं कि जो बंदा अपने नॉक किया था वो रिवाइव हुआ क्या, और मुझे लगता है कि ये बंदा रिवाइव कर रहा है। जैसे वो मेडी मार रहा था कि रिवाइव हो चुका था, और वो मेडी मार रहा था, मैं उसको दोबारा से नॉक कर देता हूँ। हालांकि एक उसका टीममेट है जो उसको बार बार रिवाइव कर रहा है और हमें उसे तरह मारना है। मैं वेट कर रहा हूँ कब ये बाहर निकले और मैं किस कब इसको मारूंगा, लेकिन जोन भी स्टार्ट हो चुका है। भाई टीममेट कह रहा है कि ना बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि अगर टीम हेल्थ कम रही तो है ना जल्दी नॉक हो जाएंगे और प्रेशर भी रहेगा, जोन से भी बाहर जाना है और टीममेट से फाइट करनी है, तो ना मैं बाहर निकलता है। और मेरा टीममेट यहाँ पर ना लॉन्च पैड लगा देता है, तो अपन मेरे पास है ना थोड़ी सी एमओ कम थी, तो मैं एमओ लूट लेता हूँ और लॉन्च पैड से अब बाहर निकल जाएंगे जोन के। तो यहाँ पर फटाफट जो लॉन्च पैड यूज करके अपन ना जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और ये जो लॉन्च पैड है ज़्यादा दूर तक जाता नहीं है, तो मतलब हमें ना एक और लॉन्च पैड की जरूरत पड़ेगी, हमें पैदल जाना पड़ेगा। तो हमारे पास एक और लॉन्च पैड है, तो उसको भी यूज़ कर लेते हैं। और जैसे मैं अपने नीचे उतरता हूँ, मेरा टीम मेट है ना बंदे को मारने लगता है, मैं इसको मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन ये नॉक हो आता है, नॉक हो आता है। यहाँ पर जो ये प्लेस है काफ़ी ज़्यादा रिस्की प्लेस है, क्योंकि जिस साइड जोन जा रहा है वहाँ पर दूसरे जो एनिमीज होती है उनको है ना एडवांटेज होता है, वो अपन को स्पॉट करके हेडशॉट मार सकते हैं, क्योंकि वो लोग हाइट पे हैं। और मैं आगे आता हूँ, यहाँ पर एल से पे एक बंदा रहता है जो मेरा टीममेट मार देता है, मैं भी थोड़ा डैमेज देता हूँ। अब मुझे ना उसको लूटना है, अगर उसमें कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए लाइक शॉटगन वगैरह तो अपना काम बन जाए। और मैं यहाँ अपने टीममेट को साइलेंसर देने लगता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना मेरे पास दो दो साइलेंसर थे। इसी के साथ अपन चलते हैं ऊपर लूटने के लिए, कुछ शॉटगन वगैरह मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर ना बंदम जैसे मार लगता है हाइट वाली प्लेस पे, यहाँ पर सामने से ही मारता है। तो अपन इसको नॉक करने ट्राई करते हैं, और यहाँ पर शायद डैमेज था पहले से ही जोन से, और 87 के ही हेडशॉट्स में ही नॉक हो गया, तो अपना काम बन जाता है इसी साथ। और हम और भी बंदे स्पोर्ट करने की ट्राई करता हूँ, और 2-4 बंदे मिल जाए, लेकिन अब जोन भी स्टार्ट हो चुका है, मैं तो हमें बाहर निकलना चाहिए जोन से, कि अगर ऊपर बंदे एक स्क्वाड मिल जाती है ना तो अपन दोनों का
ऊपर जाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर चढ़ना थोड़ा टफ होता है और ऊपर से हेडशॉट लगने के चांस काफी ज्यादा एडवांटेज होता है ऊपर वाले एनिमीज को। फिर हम यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, तो हम साथ में ही जाएंगे ताकि दूसरे को दे सके। और मेरे पास यहाँ पोंग होता है तो अपन पोंग का यूज करेंगे, जो कि एक ओपी कैरेक्टर है। आपको सर्वाइव में और रश में भी दोनों में ही इसका अच्छा परफॉर्मेंस है, और मुझे यहाँ पर बंद भी जाता है। इसका ना ध्यान नहीं होता तो अपन इसको हेडशॉट मार के फटाफट नॉक ले लेते हैं। आई थिंक ये डैमेज था पहले से, क्योंकि फाइट कर रहा था और अपन ने बीच में उसके ही उसको किल ले लिया। तो हमें ऊपर चलना चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर से और भी बंदे आ गए ना तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और मैं आपको फोन बंद कर ही निकलता हूँ, फिर अपन चल रहे हैं चल रहे हैं। और यहाँ पर आई थिंक यहाँ कोई बंदा नहीं था, तो मैं इस पार्ट को स्किप कर देता हूँ और यहाँ पर ना ऊपर आ जाता हूँ पीक के साइड पे। तो मुझे एक बंदा दिख जाता है, जैसे ही मैं इसको मारने ट्राई करता हूँ मेरे टीममेट इसे नॉक कर देता है। आज मेरे टीममेट के भी 6 से 7 किल तो हो ही चुके हैं, और मैं यहाँ पर सपोर्ट कर रहा हूँ कि नीचे से कोई बंदा डैमेज आ रहा हो तो सबकी ले लूँ। लेकिन नीचे शायद कोई था नहीं, क्योंकि ज़्यादातर बंदे मस्ती पे मर ही चुके थे। यहाँ पर मैं लूट कर लेता हूँ, कुछ कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए। लेकिन यहाँ पर भी सेम ही गन कॉम्बिनेशन है, PUMP और स्कार, तो कुछ अच्छा देखने को मिला नहीं अपन लोग को। मेडिकेट वगैरह उठा लेते हैं, क्योंकि वो लोग हीलिंग बैटल करना पड़ जाए। और मैं यहाँ पर 4x भी ले लेता हूँ, इसके बाद आगे चलते हैं। मुझे यहाँ पर सामने बंदे दिख जाता है जो काफ़ी ओपन एरिया में है, उसको मैं डैमेज देता हूँ। लेकिन ये पोल का कवर ले लेता है अपन, इसको अब थोड़ा सा हम भी कौन चलाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ना लास्ट में कोई भी आगे पीछे से मार सकता है। और ये इसने बंदे के साथ ग्लू वॉल गट लगा दी है, और टांग देखिए टांग में भी मारते हैं। अरे यार बाहर आ गए, इसको कोई बात नहीं। बस एक बंदा इसका नोक पड़ा हुआ है और एक खड़ा होकर रिवाइव कर रहा है, तो अपन इसको जो खड़ा वाला बंदा है इसको है ना मारते हैं, टांगों पर मार के नोक निकालते हैं। लग जा लग जा लग जा, लग ही नहीं रहा। अच्छा नोक हो गया, नोक हो गया। अपने इसको हेडशॉट मार के अपने टीममेट का किल कंफर्म कर दिया है, और इसी साथ अपने उसके साथ 6 किल हो चुके हैं। अपने टीममेट के भी 6 से 7 किल तो हो ही चुके होंगे। और यहाँ पे ऊपर से डैमेज आता है, और ये बंदा था छत के ऊपर है, छत के ऊपर ग्लू बॉल दिख जाती है मुझे, मतलब छत पर है। अपन भी इसको किसी तरह तिरड़ा लगा के मारना पड़ेगा। तो अपने पास एडवांटेज ये है कि जोन है ना अपने पास ही, और वो भी बंदों को नीचे आना ही पड़ेगा। मैं देखता हूँ ऊपर बालकनी में ना एक बंदा रहता है, इसको थोड़ा डैमेज देता हूँ, और ये डैमेज हो गया और जोन भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, एलिमिनेट हो जाएगा। हाँ ये लो एलिमिनेट हो गया, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर वॉल लगी, मतलब कोई बंदा ना जोन से आने का ट्राई कर रहा है, वॉल लगी। हाँ एक एक बंदा है, इसको हर मेरे टीम मेट नॉक कर दिया, बहुत बढ़िया। इसका मार के अब इसको फिनिश कर देते हैं। अच्छा इसके पास है ना फुटबॉल रिवाइवल वाला था, बहुत बढ़िया। अब है ना अपन को कल 3 बंदे बचे हैं, जिसमें से हम 2 हैं सामने अकेला है। फिर मेरे टीम मेट ने बंदा देख लिया है, मार्क भी आ चुका है इसको, तो आस पास ही बंदा है। अब मैं इसके पीछे इसलिए हूँ क्योंकि वो जैसे ही बंदा मेरे टीम मेट को ब्रश करेगा पीछे से मैं डैमेज दे दूंगा। और ये ग्रेनेड फेंक रहा है और अपन डैमेज दे के गिर देते हैं। आई थिंक ये मैंने किल चला लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक।